Hello friends, welcome back to our channel GuruKP.com. I am Poonam Soni, Assistant Professor, IT Department. Today I am here to discuss about binary trees. पीछे के कुछ lectures में हम discuss कर चुके हैं what are the trees. Let's recall it. Trees are in the form of, we can say these are the graphical representation of the information. First of all, graphical representation किस form में? In the form of nodes and edges. For example, this could be a tree. Basic difference हमें पता है, graph. Graph भी graphical representation है in the form of edges and vertices. और tree भी, these are the vertices and these are the edges which are connecting the two nodes. इनको हम nodes भी बोल सकते हैं, vertices भी बोल सकते हैं. And these are edges. और if we talk about trees, we call them branches as well. We can call them branches. तो ग्राफ भी इसी फॉर्मेट में होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है इन्फॉर्मेशन का, और उसमें भी नोड्स और एजेस होते हैं. और ट्री में भी जो बेसिक डिफरेंस है वो है एक साइकिल का, कि ट्रीज के अंदर आपको साइकिल्स नहीं मिलेंगे. अगर ये दो नोड्स भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं तो इट विल बिकम अ ग्राफ. ठीक है, तो ट्री इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ विदाउट द लूप्स एंड साइकिल्स, पहली चीज. दूसरी चीज, हम इसी का एक कैटेगरी पढ़ेंगे, बाइनरी ट्रीज. तो बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं? बाइनरी ट्रीज भी सिमिलरली नोड्स और एजेस के ही कॉम्बिनेशन होते हैं. उनमें रिस्ट्रिक्शन होता है. जैसे अभी हमने इस ट्री में देखा कि नोड के चाइल्ड कितने हैं, तो कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं उसका, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू एन नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इफ इट इज अ सिंपल ट्री, वी कॉल इट अ ट्री ओनली. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट वॉट इफ वी टॉक अबाउट अ बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री मीन्स any node can have 0, 1 or 2 children. For example, if we make a tree like, see, if we say this is a binary tree, तो यहाँ पे कोई भी node के more than 2 children नहीं होंगे. जैसे इसका हमने देखा तो 2 है, इसका 0 है, इसके 2 है. अगर यहाँ पे इसके 3 children हो जाते हैं तो it will no more be a binary tree, नहीं होगा ये. मिनिमम 0 और मैक्सिमम इनके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, किसमें? बाइनरी ट्री के अंदर. तो ये एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें आप, हमने बाइनरी ट्री के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है. किसके ऊपर? नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर, जो इनके सब ब्रांचेस से, ये लीफ नोड्स कहलाती हैं, ये इंटरनल नोड्स कहलाती हैं. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री से ही एक और डेफिनेशन निकलता है अपने पास, एंड दैट इज व्हाट? कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन क्या कहता है? इट मस्ट बी कंप्लीट एट ईच लेवल. कंप्लीट एट ईच लेवल का क्या मतलब है? कि हर एक लेवल पे उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होनी चाहिए जितनी एक बाइनरी ट्री में होनी चाहिए. साथ में अगर हम लास्ट लेवल की बात करें तो लास्ट लेवल मस्ट बी कंप्लीट फ्रॉम दी लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड से वो कंप्लीट होना चाहिए. तो हम एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज दिस इज अ ट्री, वी सी, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था. अगर हम बात करें कि ये कंप्लीट है या नहीं है, तो हम अगर लास्ट लेवल को छोड़ दें तो उससे ऊपर वाले सारे लेवल्स पे उसकी पूरी फुल नंबर ऑफ नोड्स होनी चाहिए. तो ये लेवल 0 है, उसमें 1 नोड हो सकता है, रूट नोड. फिर नेक्स्ट लेवल पे इसमें 2 नोड्स हो सकती है मैक्सिमम पॉसिबल. फिर इससे नेक्स्ट लेवल, ये लास्ट लेवल आ जाता है. तो यहाँ तक तो ये हमें दिख रहा है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री हम इसको कह सकते हैं, अगर हम लास्ट लेवल ना देखें. बट लास्ट लेवल के लिए क्या कंडीशन है? लास्ट लेवल के लिए कंडीशन है कि वो कंप्लीट होना चाहिए लास्ट लेवल फ्रॉम द लेफ्ट, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द लेफ्ट. तो अगर हम यहाँ देखें तो लेफ्ट की 2 नोड्स हमारे पास मिसिंग है. तो हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे बना सकते हैं? हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री ऐसे बना सकते हैं, ई एफ एंड जी, 2 नोड्स अगर हम और ऐड कर दें इसमें. नाउ इट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. लास्ट लेवल को छोड़ दें तो वहां से ऊपर कंप्लीट है, और लास्ट लेवल भी इंस्टेड इसका कंप्लीट है. तो अगर हम बोलें कि ये नोड हमने यहां से हटा दी, तो इज दिस अ बाइनरी ट्री नाउ? यस, इट इज अ बाइनरी ट्री, बिकॉज लास्ट लेवल के लिए कंपल्शन नहीं है सारी नोड्स होने का.
जितनी नोड्स होंगी वो लेफ्ट साइड से फुल होनी चाहिए। जैसे अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो ये नोड होनी चाहिए, नॉट मिसिंग है, ये वाला नोड होना चाहिए, नॉट मिसिंग है, और सी का ये वाला नोड होना चाहिए, है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है राइट साइड की नोड के लिए। और अगर इसको अच्छे से समझना चाहें, सपोज हमने ये नोड हटा दिया, नाउ इज दिस अ बाइनरी ट्री? नहीं, अब ये बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि ये नोड होना चाहिए, ये नोड होना चाहिए। यहां पे जब नोड आ रहा है तो उससे पहले, उससे लेफ्ट तक की सारी नोड्स कंप्लीट होनी, जो भी नोड आपका लास्ट अपियरिंग नोड है उससे लेफ्ट तक की सारी नोड्स कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस केस में ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, बिकॉज वी आर मिसिंग आउट अ नोड हियर, यहां पे एक नोड मिसिंग है। अगर ये नोड हम बना दें, सपोज जी हमने बना दिया, डी नहीं है हमारे पास, ई नहीं है, तो अब क्या ये बाइनरी ट्री है? हाँ है, क्योंकि अगर हम लास्ट नोड को देखें इस लेवल पे, उससे पहले की लेफ्ट हैंड साइड की सारी नोड्स अपने पास में अवेलेबल है, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। सो दिस इज हाउ वी कैन से अ कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए क्या डेफिनेशन है, कि वो हर एक लेवल पे कंप्लीट होना चाहिए, उसकी टोटल नंबर ऑफ नोड जितनी होनी चाहिए एक लेवल पे उतनी है, और साथ में लास्ट लेवल को अगर हम देखें वो अगर पूरा फुल नहीं है तो भी इट शुड बी फुल फ्रॉम द लेफ्ट, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द लेफ्ट वो फुल होना चाहिए। तो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द बाइनरी ट्रीज इन द मेमोरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्रीज इन मेमोरी। तो जनरली अभी तो हम देखते आए हैं कि हम हर एक डेटा स्ट्रक्चर को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। वन इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज यूजिंग पॉइंटर्स, एंड वन इज सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन विदाउट मेकिंग यूज ऑफ पॉइंटर्स। सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से, एक तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन मतलब लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, एंड सेकंड इज सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन विदाउट द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स इन अ सिक्वेंशियल वे लाइक इन एरे। तो पहले हम इसका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ ट्री, सपोज ये हमारे पास में ट्री है, इसको हमें लिंक रिप्रेजेंटेशन से शो करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें देखेंगे। अगर हम एक नोड अगर इसको हम मान लें तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये इन्फो पार्ट हो गया उसका, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट पार्ट हो गया, राइट पॉइंटर हो गया। नाउ इट इज पॉइंटिंग समवेयर, इट इज ऑल्सो पॉइंटिंग समवेयर, दिस इज टू एंड दिस इज वन, it is pointing to null and it is also pointing to null, kuch nahi hai uske left mein, kuch nahi hai uske right mein bhi, kuch nahi hai one ke. Similarly agar hum 2 ke liye dekhe to iska right pointer is empty and left pointer pe we have 9, often 9 ka left is empty and right is null, empty or null hum bol sakte hain. तो जो ये क्रॉस से हमने दिखाए हैं, दीज पॉइंटर्स आर सेइंग व्हाट, देयर इज नो फर्दर नोड आफ्टर दिस नोड। तो ये इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्टीमेटली वी विल नीड द एरेज। तो हम यहाँ पे तीन एरे ले लेते हैं, वन इज फॉर इन्फो टू बी स्टोर्ड एट द नोड, सेकेंड इज गिविंग द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, ये हो गया आपका लेफ्ट, और यहाँ पे हमने यूज कर लिया इसको राइट पॉइंटर के लिए, ठीक है। तो रेंडमली हम बात कर सकते हैं, कोई भी नोड की वैल्यू कहीं पे भी स्टोर हो सकती है, जहाँ पे भी करंटली हमें मेमोरी स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे हम इसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इनको इंडेक्स दे देते हैं हम, ये सारे सेम इंडेक्स लेवल पे है, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वन विल हैव अ रूट पॉइंटर जो रूट को पॉइंट करेगा, सपोज आर रूट इज स्टोर्ड एट 1,
1 पे रूट स्टोर्ड है, सॉरी 2 पे रूट स्टोर्ड है, तो रूट का इन्फो क्या है 4. सपोज यहाँ पे हमें कहीं स्पेस मिला तो हमने 2 स्टोर कर दिया, देन हमने कहीं 1 स्टोर कर दिया और कहीं हमने 9 स्टोर कर दिया. जहां हमें स्पेस मिला वहां पे हमने ये स्टोर कर दिया. तो उसके अकॉर्डिंग हम इनके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को हम सेट कर सकते हैं. तो 4 का अगर हम देखें तो लेफ्ट इज व्हाट 1, तो 1 कहां पे स्टोर्ड है 6 पे, तो यहां पे हम 6 स्टोर कर देंगे एड्रेस ऑफ दैट नोड. जहां पे वो नोड स्टोर किया है हमने उसका एड्रेस हम उसके लेफ्ट में डाल देंगे. राइट पार्ट इज 2, 2 कहां पे स्टोर्ड है 4 पे, तो ये यहां आ गया. ठीक है, फिर हम 6 पे जाएंगे अगर, तो 6 पे क्या है 1 है हमारे पास, 1 का लेफ्ट क्या है नल, राइट क्या है नल, तो 1 का लेफ्ट नल, राइट नल, कुछ नहीं है वहां पे, कोई पॉइंटर जा ही नहीं रहा है, कोई नोड है ही नहीं उसके लेफ्ट और राइट में. फिर हमने बोला कि 2 को देखें अगर हम, तो 2 के लेफ्ट में क्या है 9, और 9 स्टोर्ड है अपना 8 पे, तो ये 8 आ गया लेफ्ट पे. और राइट अगर देखें तो इसका नल है. फिर 9 पे जब हम जाते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों इसके नल है. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट वी कैन ट्रेवर्स इट लाइक कि अगर रूट पे जाते हैं तो इसका लेफ्ट राइट यहाँ पे है, फिर इसके अगर लेफ्ट पे जाते हैं तो 1 है, इसका लेफ्ट राइट कुछ है नहीं. फिर 2 पे जाते हैं तो इसके लेफ्ट 8 पे स्टोर्ड है, हम 8 पे आ गए, 8 पे अगर 9 है तो 9 के लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं है. सो दिस इज द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी ट्री इन मेमोरी, जिसमें हमें एक ड्रॉबैक इसका ये है कि हमें मेमोरी स्पेस पूरा फुल चाहिए होता है. 3 एरेज आप देख सकते हैं हम लोगों ने यूज करी है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसी ट्री का, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, सिक्वेंशियली हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं. सिक्वेंशियली स्टोर करने में हमें एक बेनिफिट है कि हमें इतनी एरेज का यूज करने की नीड नहीं है, हम लोग सिंगल एरे में एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. तो वही ट्री हम बना देते हैं 4, 1, 2, and suppose 9. ये ट्री हमें सिक्वेंशियली स्टोर करना है. नाउ वी आर सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं. सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में हमने बोला कि हम सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री, तो मेमोरी सेव करने के लिए वी कैन डू इट यूजिंग अ सिंगल एरे. सपोज द एरे इज टी. ठीक है, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन में हमें ध्यान रखना है अगर कोई भी नोड kth लोकेशन पे स्टोर्ड है, इफ एनी नोड इज स्टोर्ड एट kth लोकेशन, तो उसका लेफ्ट लेफ्ट कहां स्टोर्ड होगा 2 इंटू के पे, और राइट कहां स्टोर्ड होगा 2 इंटू के प्लस 1 पे. ठीक है, तो हमने माना, हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. ठीक है, हमने बोला द रूट इज स्टोर्ड एट 1. रूट हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है 4. इसका वैल्यू क्या है 4 है, और ये हमारा क्या है रूट है. हमने बोला अब इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ स्टोर होगा, तो ये कौन से लोकेशन पे है kth लोकेशन 1. नेक्स्ट राइट कहाँ लेफ्ट कहाँ होगा इसका 2 इंटू के, दैट इज के इसके लिए k क्या है 1, तो 2 इंटू के क्या होगा 2. तो 2 पे हमें इसका लेफ्ट स्टोर करना है, तो 2 पे हमने इसका लेफ्ट स्टोर कर दिया. ठीक है, 1 वैल्यू आ गया सेकेंड इंडेक्स पे. अब ये बोल रहा है कि राइट कहां होगा, तो राइट विल बी एट 2 इंटू के प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1 इज 3, तो थर्ड पे इसका राइट स्टोर होगा, हमने 2 स्टोर कर दिया. ठीक है, अब इसका लेफ्ट एम्प्टी है राइट एम्प्टी है. इसकी नोड की अगर हम बात करें तो इसका लेफ्ट कहां स्टोर होगा के इन 2 इंटू के पे, तो ये ऑलरेडी किस लोकेशन पे स्टोर्ड है 3 पे है ये, तो 3 2 6, 6 पे इसका लेफ्ट आएगा और 6 प्लस 1 7 पे इसका राइट आएगा जो कि नहीं है, एम्प्टी है. ठीक है, तो ये स्पेसेस हमें एम्प्टी छोड़ने पड़ेंगे. जैसे 1 का आ गया 2 2 4 और 5 हमें एम्प्टी छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका 1 के चिल्ड्रन के लिए हमें स्पेस छोड़ना है. ठीक है, बट अगर आप देखेंगे तो कितना इजी हो गया, इसमें हमें पॉइंटर्स देखने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट अ फॉर्मूला
और इस तरीके से हम उसकी नोट्स निकाल सकते हैं सिर्फ एक एरे के रिप्रेजेंटेशन से, जिससे आपका जो मल्टीपल एरेज का हम यूज कर रहे थे मेमोरी स्पेस वो बच गया हमारा। थोड़े बहुत स्पेस वेस्ट होता है अगर जैसे किसी का चाइल्ड नहीं है, तो वो हमारा उसके अंदर भी हो रहा था लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी, उस पर हमें ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाइनरी ट्रीज हमने पढ़ा और उनका कंप्लीट बाइनरी ट्री हमने देखा और उनका दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा, या कोई भी कमेंट इफ़ यू फील कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो यू कैन पुट अ कमेंट देयर। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।